वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लाई हूँ आपके लिए एक नई रेसिपी। यह है चिपोटले स्टाइल बरीटो बाउल की रेसिपी, जिसको घर पे बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी तरीके से, बिल्कुल 20-25 मिनट में हम इसे बना सकते हैं। और इसको बनाना बहुत ही इजी है और ये हेल्दी है। तो बिना देर किए चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले बरीटो बाउल बनाने के लिए पहला स्टेप है हमें राइस का। तो यहाँ पे हम ब्राउन या वाइट कोई भी राइस ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमें लिया है 2 कप ब्राउन राइस। इसे 2 से 3 पानी अच्छे से धोना है, जैसे हम राइस को रोलते हैं। अच्छे से वाश करने के बाद हम एक प्रेशर कुकर लेंगे, उसमें ऐड करेंगे 1 गिलास लगभग वाटर, और साथ में हम डालेंगे थोड़ा सा नमक और 1 बे लीफ। उसके बाद हमें जो राइस वाश किया था इसको ऐड कर देंगे और 1 सीटी लगाएंगे। इस तरह से 1 सीटी के बाद ये राइस हमारा परफेक्ट रेडी हो जाएगा। दूसरा स्टेप है हमें बनाना है सबसे पहले गुआकामोले। तो गुआकामोले बनाने के लिए हमें यहाँ पे एवोकाडो ले लिया है, तो हमें इसे अच्छे से निकालना है पहले। निकालने के बाद हमें इसे मैश करना है। ये रेडी हो चुका है। यहाँ पे हमने ऐड कर दिया है 1 चम्मच ब्लैक पेपर, 1/2 चम्मच चिली फ्लेक्स और 1 चम्मच भुना जीरा हुआ पाउडर, और थोड़ा सा टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक करेंगे नमक का। इसके साथ हम कुछ सब्जियाँ ले लिया है यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे ऐड कर दिया मीडियम साइज का चॉप अनियन, धनिया का पत्ता और टोमेटो। ये जो सब्जियों की जो क्वांटिटी है वो मतलब अपने हिसाब से एडजस्ट करना है। और इसके साथ साथ ऐड करेंगे 3 टेबल स्पून लेमन जूस का। इन सब चीज़ों को डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो इस तरह से ये गुआकामोले हमारा रेडी है। नेक्स्ट स्टेप है हमारा सैलड का। तो उसके लिए हमने यहाँ पे ले लिया फाइन चॉप किया हुआ अनियन, टोमेटो और साथ ही साथ ग्रीन कैप लिया है हमने कैप्सिकम, थोड़ा सा धनिया का पत्ता ले लिया हमने। यहाँ पे ऐड करेंगे नमक, ब्लैक पेपर, चिली फ्लेक्स, इन सब चीज़ों को डालने के बाद हम मिक्स करेंगे। इस तरह से ये हमारा सैलड रेडी है। ये चावल हमारा बनकर के रेडी हो चुका है जैसा हमें चाहिए। तो हम इसे निकाल लेंगे और ऐड कर देंगे चावल में थोड़ा सा कटा हुआ धनिया का पत्ता और लेमन जूस। इसके बाद हम इसे मिक्स कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप है हमारा स्टेयर फ्राई, लाइक वेजी फ्राई करना है। तो सबसे पहले हमने ले लिया यहाँ पे 1/2 अनियन का कटा हुआ, साथ ही साथ हमने ले लिया है 1/2 कटा हुआ शिमला मिर्च और 1 से 2 हमें ले लिया है रेड शिमला मिर्च। इस तरह से फाइन चॉप किया हुआ है, इसे हमें बिल्कुल स्टेयर फ्राई करना है। तो हम इसे 2 से 3 मिनट कुक करेंगे हाई फ्लेम पे। बीच में चला चला के नीचे से देखते रहेंगे कि कहीं ये जल ना जाए। उसके बाद हम ऐड करेंगे थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर, सॉल्ट ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग और मिक्स कर देंगे। इसके साथ ऐड कर देंगे थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, इसे हमें
पूरी तरह से कुक नहीं करना है, बिल्कुल स्टर फ्राई जैसे वेजी होती है वैसे हमें रखना है। तो ये इस तरह से ये हमें कुक करके रेडी कर लिया। ये पूरी तरह से रेडी हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप है हमारा बीन्स का। तो हमें इसे 2 घंटे पहले भिगोया था, ये 1 घंटे में भी फूल के पूरी तरह से रेडी हो जाती है। 1 घंटा पहले भी आपको बनाना है तो आप 1 घंटा पहले भिगोएंगे और ये बिल्कुल रेडी हो जाएगी। तो ये बीन्स हमने 2 घंटे पहले भिगोया था, तो इसे ऐड करने के प्रेशर कुकर में, और 1 से 1.5 कप ऐड करेंगे वाटर। साथ ही साथ ऐड करेंगे थोड़ा सा टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। एक से दो कली हम ऐड करेंगे गार्लिक का फाइन चॉप किया हुआ, थोड़ा सा ऐड करेंगे हल्दी, और यहाँ पे हमने ऐड कर दिया 1/2 चम्मच टाइकोज मसाला जो होता है। अगर नहीं भी है तो आप कोई भी मसाला, बीन्स मसाला, राजमा मसाला, कोई भी मसाला ऐड कर सकते हैं। इस तरह से प्रेशर कुकर बंद कर देंगे और 1 सीटी लगाएंगे। 1 सीटी में हमारी बीन्स पूरी तरह से बंद करके रेडी हो जाएगी। अब हम यहाँ पे लेयरिंग करते हैं। तो सबसे पहले जो हमने राइस रेडी किया है ब्राउन राइस, इसका लेयर करेंगे। इसके बाद हम जो बीन्स रेडी किया था वो बीन्स भी हमारी बन चुकी है 1 सीटी के बाद, तो यहाँ पे बीन्स की 1 लेयर रखेंगे। स्टेयर फ्राई जो वेजीज है उसको रखेंगे साइड में। ये सैलड है उसको भी एक साइड में हमें रखना है। यहाँ पे हम रखेंगे थोड़ा सा गुआकामोले। गुआकामोले के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा चिप्स बिल्कुल ऐड कर रहे हैं, 3 से 4 चिप्स हमने सिप लगा दिया है, और साथ ही साथ हम स्प्रिंकल कर रहे हैं यहाँ पे लेट्यूस का जो फाइन चॉप किया हुआ हमने, और थोड़ा सा ऐड करेंगे कोई भी चीज। इस तरह से ये चिपोटले स्टाइल बरीटो बाउल बन करके रेडी है, जो कि बहुत ही हेल्दी है और खाने में भी बिल्कुल अमेजिंग है, और बिल्कुल बनाने में बहुत ही आसान है।